नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो रिजल्ट निकल चुका है, 56वीं से 59वीं का रिजल्ट निकल चुका है। सिवान जिले के सिवान शहर में दक्षिण टोला के एक लाल ने प्रशासनिक सेवा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। आज वो हमारे साथ है। आपका नाम अरुण पांडे जी है, आपके पिताजी सज्जानंद पांडे जी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम अरुण पांडे जी से ये जानना चाहेंगे कि इस परीक्षा को लेकर आपके मन में सबसे पहले कैसे विचार आया। देखिए, सिविल सर्विसेज में आने के लिए मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी ही रहे और इन्होंने ही मुझे हमेशा प्रेरित किया कि बाकी कोई भी सर्विस होगा, सिविल सर्विसेज के माध्यम से मैं उन लोगों के लिए भी काम कर पाऊंगा जो लोग आज, और हमेशा से पिताजी ने भी उन्हीं लोगों के लिए काम किया जिन लोगों को बाकी जगह से कोई भी, मतलब आप तो जानते हैं कि बाकी प्रशासन का क्या हाल होता है, जनता से दूरी बनी रहती है। पिताजी हमेशा एक सामान्य रिक्शा चालक भी अगर उनके पास जाता था तो उसके लिए काम करते थे और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया इस फील्ड में आने के लिए। आप ये बताइए कि इस एग्जाम को निकालने में आपको क्या कठिनाई झेलनी पड़ी? जी देखिए, कठिनाई तो बहुत होती है क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि इसमें एंटर करने से पहले ही मुझे जिन लोगों से गाइडेंस मिला उन्होंने एक ही वर्ड कहा कि पेशेंस आपके पास होना चाहिए, अगर ये आपके पास नहीं होता है तो फिर आप इस फील्ड में आने लायक नहीं हो, क्योंकि ये फील्ड में अगर पेशेंस नहीं होता तो आप बहुत जल्दी घबरा कर क्विट कर जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पेशेंस और मेरे लिए परसिवरेंस, कर्मठता, वो भी है, लगातार लगे रहना, बार बार फेलियर, बार बार फिर आपको तुरंत उठ के चलना है, आपका एक एग्जाम का रिजल्ट आता है आप फेल होते हैं दोबारा आप तैयार होते हैं नहीं के लिए। अरुण जी, आप अब अपनी जो शिक्षा अपने आप तक ग्रहण की है इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, मैंने डीएवी हाई स्कूल सिवान से ही अपने 10वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद 12वीं मैंने बीबीएन कॉलेज बथुआ गोपालगंज से, और फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली कुछ कारणों से मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया संस्कृत और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ ही, और मैंने बीपीएससी में भी संस्कृत और एलएचडब्ल्यू के साथ ही उत्तीर्ण किया, बीपीएससी को भी क्वालिफाई किया उसी से। आप अभी फिलहाल कहीं जॉब में हैं, इसके बारे में बताएं। जी, मैं अभी प्रेजेंटली डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तहत सीनियर ऑडिटर के रूप में काम कर रहा हूँ दानापुर ऑफिस में जो सीडीए पटना के अंतर्गत आता है, और मेरा पिछले महीने सेक्रेटरियट में भी असिस्टेंट के पद पे सिलेक्शन हुआ था, तो अब लकीली अब मुझे बीपीएससी में जाना है। अरुण जी, ये बताइए, ये जो आपके दोनों सब्जेक्ट हैं, एक संस्कृत है और एक एलएसडब्ल्यू है, एलएसडब्ल्यू तो बिहार में बीपीएससी में काफी लोकप्रिय है, लेकिन जो ये संस्कृत है ये बिल्कुल कोमा में चली गई है, मृत प्राय भाषा हो गई है, तो इन ये दोनों सब्जेक्ट का जो कंट्राडिक्टरी है इसको आपने कैसे किया? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, संस्कृत एक्चुअल में शुरू से मेरे मतलब यूं कहूं तो रग रग में बसा है। मैं शुरू से मुझे काफी इंटरेस्ट रहा संस्कृत में, श्लोक्स वगैरह और ये सब सारी चीजें, गीता पढ़ना, थोड़े बहुत कुछ उपनिषद पढ़ना, ये सब मेरे शौक रहे हैं, तो मुझे शुरू से ही मतलब काफी ज्यादा रुचि रही संस्कृत में और इसीलिए मैंने परस्यू किया। और अपोजिट ना कहें, संस्कृत तो हर सब्जेक्ट के लिए एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, वो उसी ने थामे रखा मुझे जब मैं गीता का श्लोक पढ़ता था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो मुझे यही लगा कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में, मैं अपना काम करता था। क्या आप ये ऐसा मानते हैं कि सिविल सर्विसेज में जो नए नए लड़के आ रहे हैं उनको एक अपना विषय संस्कृत रखना चाहिए? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि अब जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले सोचते हैं कि हमारे लिए संस्कृत उपयुक्त नहीं होगा शायद, मैं कहता हूँ संस्कृत सबसे ज्यादा टेक्निकल जिन लोगों का है आईटी उन लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, और बाकी के लिए तो संस्कृत सबसे इजी मतलब लैंग्वेज है मेरे ख्याल से। लोग दूरी बन गई है चूंकि समाज की और यूज में नहीं रहा, इसके कारण से ये मानसिकता बनी हुई है, मेरे ख्याल से अगर लिया जाए तो बहुत ही आसानी से बाकी विषयों के मुकाबले, बाकी विषयों की तुलना में बहुत ही अंतदायी है, और अगर सही जगह से अगर इसकी इसका मार्गदर्शन लिया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। अरुण जी, एक बात आप ये बताइए कि जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें सबसे दिलचस्प कौन सा सवाल है? सबसे दिलचस्प सवाल मेरे लिए मेरा पहला सवाल ही रहा, जब मेरे बोर्ड के चेयरमैन थे श्री प्रदीप पांडे जी, उनको जब पता चला कि मैं सिवान जिले से हूँ तो उन्होंने कहा मुझसे कि आप
सिवान जिले की कोई ऐसी खासियत बताइए जिसके लिए सिवान काफी प्रसिद्ध हो, और ऐसी खासियत जिसके लिए सिवान बदनाम हो। और मुझे ये कहा गया कि मैं शाहुद्दीन साहब के बारे में ना बोलूं, तो मुझे काफी हंसी भी आई। फिर मैं उनका इशारा समझ गया। मैंने फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, और मैंने बदनामी के लिए श्री मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव जी का नाम लिया जो द ग्रेट कॉलमैन के नाम से जाने जाते हैं, नटवरलाल, और उन पर कई मूवीज भी बनी। जब मैंने बताया तो काफी मुस्कुराए, वो बोले यस आई वांटेड टू हियर दिस। ये बहुत अच्छी बात है। अरुण जी, आगे आपका पढ़ाई में, एकेडमिक में और क्या करने का इरादा है? देखिए, मेरा एम तो सिविल सर्विसेज क्लियर करना था, यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनना ही है, और वो आज भी बना हुआ है, और मेरी आशा है कि मैं उसमें क्वालिफाई कर लूंगा। मैं उसी के लिए लगा हुआ था। एक्चुअली मैंने स्टेट ये पीसीएस के लिए कभी स्पेशली तैयारी नहीं की, मैंने तैयारी उसी के लिए की थी, यूपीएससी के लिए, और ईश्वर के कृपा से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी। ये सवाल मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता को सबसे पहले, विशेषकर पिताजी को मैंने बताया था कि मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और माँ का भी मेरा बड़ा योगदान रहा है। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा, तो मुझे काफी लालन पालन भी मिला है सब लोगों से। बड़े भाई लोगों को भी मैं अपना योगदान देना चाहूंगा, सबका सहयोग रहा, पूरे परिवार को, मेरे मित्रगण, सब लोगों का काफी योगदान रहा है। अरुण जी, आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, बिहार में प्रशासनिक सेवा संभालना बहुत कठिन चुनौती है। बिहार, आप अभी एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, बड़ा मतलब गजब टाइप का ये स्टेट है। यहाँ पे जातिवाद है, यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है, पलायन यहाँ की फैक्ट्री है, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बड़ा ही मुश्किल है। आप कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे? जी देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण हरदम दुहाई दी जाती है बिहार के बारे में कि बिहार में संसाधनों की कमी है, यहाँ पे इसी के कारण शिक्षा स्वास्थ्य सब सही नहीं हुआ। लेकिन आपको मतलब आप भी जानते हैं इस बात को कि सबके पीछे सबसे बड़ा कारण करप्शन है, और मैं मानता हूँ कि करप्शन को खत्म करने का जरिया सिर्फ भाषण दे देने से मैं भी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने लेवल से उसको करके दिखाऊंगा। मैं अपने लेवल से ऐसा कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो उसके दायरे में आता हो। मुझे यही शिक्षा बार बार पिताजी भी देते रहे कि जितना हमें एक सरकारी सेवक होने के रूप में तनख्वाह मिलती है वो काफी है, हम जो सेवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात की लोगों से जो दूरी बना लेते हैं सिविल सेवक, वो दूरी खत्म करना है मेरा उद्देश्य। अरुण जी, आप जॉब में जाएं, आपको सफलता मिले, लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो हमेशा प्रशासक को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जनप्रतिनिधि हैं, और मैं किसी को भी अपना विरोधी मान के नहीं चलता, उनकी बात भी सुननी है क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जहां तक दबाव की बात है, जब भी हम जॉब में जाते हैं, मैंने भी अपने जॉब में तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ खाई थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेगी जो भी बातें उनको फॉलो करना है और उनकी बातें सुननी है क्योंकि वो जनता की आवाज है। और उसके बाद फिर भी मेरा एक फ्रेमवर्क, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर काम करना है। अरुण जी, जो नए लड़के जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या गाइड करने के लिए आप ऐसा कुछ आगे प्लान बना रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पास कई मैसेजेस भी आ रहे हैं फेसबुक पे, कई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा घर पे व्यस्तता के कारण मैं सारे लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह का एक प्लान कर रहा हूँ कि सबके लिए मैं इस तरह का कुछ करूँ, क्योंकि मैंने भी काफी स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, और फेलियर काफी कुछ सिखाता है। मैं कई बार फेल रहा हूँ, और यूपीएससी में स्टेट में तो पहला ही अटेम्प्ट था, लेकिन काफी कुछ सीखा है मैंने अपने लाइफ में, और मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को अपने फेसबुक पेज के माध्यम से ही मैं गाइड कर सकूँ कुछ जो भी मेरे पास है। ये बताइए, जीएस और संस्कृत और एलएसडब्ल्यू के लिए आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? देखिए, एलएसडब्ल्यू के लिए तो पंकज त्रिपाठी सर की नोट्स आती थी, और वो सफिशियंट थी क्योंकि एलएसडब्ल्यू काफी छोटा सब्जेक्ट है, और उसमें कुछ ऐसा नहीं है। पार्ट टू जो उसकी सोसाइटी होती है वो तो सब लोग कॉमन पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं समाज का। और संस्कृत की जहां तक बात है, संस्कृत के लिए तो बहुत सारी बुक लिस्ट है, मैंने एक एक जो जो किताबें सिलेबस में थी वो सारी किताबें खरीदी और खुद से पढ़ी उनको, क्योंकि टीचर्स भी जो है वो बस एक मार्केटिंग हो गया है शिक्षा का। मैंने कोचिंग ली थी काफी पहले, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं रही, फिर मैंने अपने स्तर से
उसकी तैयारी की और उसके लिए बुक लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, मैं अपने फेसबुक पेज पे उसको भी शेयर कर दूंगा। फिलहाल बताने में थोड़ा जीएस की जहां तक बात है तो जीएस के लिए सबसे पहले मैं अगर कुछ बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी गलती लोगों की होती है कि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले, मतलब मैं सबसे यही कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी ही आपका बेस तैयार करेगा, उसके बाद कोई भी बुक आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उठाएं, चाहे उसमें आपको जितनी भी पहले लगता है बोरिंग होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से पता भी नहीं चलता, लेकिन वहां से शुरू करें और उसके बाद फिर बहुत सारी बुक्स हैं, मैं सारा फेसबुक के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करूंगा। पहले मेंस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट थे, अब इस बार से जो नई वैकेंसी आई है उसमें 1 सब्जेक्ट है, इससे क्या असर पड़ेगा जो तैयारी करते हैं? जी अब थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि जनरली किसी भी व्यक्ति का जो ग्रेजुएशन भी किया जाता है तो 1 सब्जेक्ट कोई ऑनर्स ले गया कुछ भी कर लेता है, 1 सब्जेक्ट लेना थोड़ा आसान होता है। जीएस ऐसी चीज है जो कॉमन होता है जिसमें थोड़ा आदमी को मन भी लगता है, ऑप्शनल के लिए थोड़ा स्पेशल करना पड़ता है, तो अब मतलब तैयारी थोड़ी आसान हो गई है, लेकिन कॉम्पिटिशन टफ हो गया है। आपसे हम सवाल पूछेंगे लेकिन आपसे पहले मैं आपके पिताजी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कभी सोचा था क्या कि मेरा बेटा अरुण प्रशासनिक सेवा में आएगा? मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा बेटा जरूर घोषित करेगा, यह प्रयास तो पहले प्रयास नहीं इसमें डीजे स्वीकार किया और ये चाहे मैं उसे दिया था विधायक तो ये मेरा मेरी सोच जो है सो ऐसी नहीं है कि मैं इसके प्रति असहमत नहीं था। इनकी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? इनकी सफलता का श्रेय मैं इन्हीं को दूंगा कि सारी सारे परिश्रम और सारी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने जो कठिनाई झेला है अपने परिश्रम के लिए, अपने आप से खाना बना के खाना, अपने जाना माता पिता ये सब लोग हम लोग डूब रहे हैं और ये अपने कहीं कोई गाइडेंस भी हमने नहीं दिया इनको, इसलिए कि हम लोग जिस माहौल में थे उसमें ये सब सिविल सेवा का कोई जो है सो भी हम लोगों को कोई गाइड नहीं किया और मैं अपने जॉब में इतना व्यस्त था कि मैं अकेले 3-3-4-4 आदमी काम अपने ड्यूटी करता था और उसी में मुझे प्रसन्नता होती थी कि मैं काम करके आया, जिस दिन मैं काम नहीं करता था मुझे लगता है कि मैंने किसी टीचरी कर दी, तो इसी तरह से इनको भी मैंने शिक्षा दिया कि देखो बेटा ऐसे अच्छा काम करना, सिविल सेवा में रह करके और जो जनता की सेवा करने में आनंद आता है वो कहीं नहीं मिला, इसलिए इनको मैंने प्रेरित किया कि सिविल सेवा। नारायण मीडिया की पूरी टीम ये चाहेगी कि आप अपने बेटे को यह आशीर्वाद दें कि वो आईएएस बने। मेरा आशीर्वाद भी है और मुझे पूर्ण विश्वास ही है कि अगले प्रयास में ये निश्चित रूप से आईएएस की परीक्षा में फिर ये एक पिता का जज्बा है, विश्वास है जिन्होंने अरुण जी को इस पद पे पहुंचाया है। अरुण जी चलते चलते अंतिम सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो सिवान का अलग जगह है वहां वो समाप्त नहीं हुआ है, ठहरा नहीं हुआ है, वो आप तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, आप किस तरह का प्रशासक बनना चाहेंगे? देखिए मेरे लिए मेरे अभी रोल मॉडल की अगर बात करूं मैं तो टीएस सुब्रमण्यम साहब हैं जिनका डेथ हो चुका अभी हाल ही में, तो वो मेरे लिए आदर्श रहे हैं, मैंने उनको देखा है, उनका जो मतलब लोगों से बात करने का कभी आपको एटीट्यूड टाइप का चीज नहीं दिखेगा प्रशासकों में, सबसे पहले ये कॉलोनियलिज्म का एक देन है अपने वैश्विकवाद का कि इस तरह का लोगों का बिहेव होता है कि वो दिखे कि हाँ वो अलग है, मैं अलग नहीं, मैं लोगों के बीच में से ही हूँ और बन के ही रहना चाहता हूँ, मेरे लिए राजेंद्र बाबू ही भी मेरे आदर्श हैं, वो हमेशा से वो लोगों के जरिए मतलब उनको हमेशा द जेंटलमैन ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उस तरह का बनने का प्रयास करूं, बन तो नहीं सकता पर बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी और आपको शुभकामनाएं कि आप सिविल सेवा की परीक्षा में आप पास हो और सिवान का नाम आप रोशन करें और साथ ही आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में सिवान के लाभ के रूप में अपना नाम रोशन करें। पूरे नारद मीडिया की टीम से
टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।